भाई सिर्फ बैग ही तो नहीं आ गया? नहीं ओ भाई साहब। All right guys, हमने आपको बहुत सारे वेबसाइट से गैजेट मंगवा के अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रखा है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन, मीशो, शॉपसी, नापतौल और न जाने कितने सारे वेबसाइट। लेकिन आज हम बहुत ही अलग वेबसाइट से गैजेट ऑर्डर करने वाले हैं और अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो ले चलता हूँ सबसे पहले गूगल पे एंड यहाँ पे मैं सर्च किया MI। यस, तो गाइस MI की वेबसाइट पे जब आप आओगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक स्टोर का ऑप्शन दिखेगा, फोन का, टीवी एंड स्मार्ट होम, लैपटॉप एंड टैबलेट, लाइफस्टाइल। तो आपको आना है लाइफस्टाइल वाले सेक्शन में एंड यहाँ पे आपको वियरेबल, फोन एसेसरीज, ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल और ऑडियो रिलेटेड आपको बहुत सारे गैजेट देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे स्मार्टफोन और मैं टैबलेट वगैरह बाय नहीं करने वाला हूँ, ऑफकोर्स मैं यहाँ पे पर्टिकुलर गैजेट बाय करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं देखा फोन एसेसरीज में, तो यहाँ पावर बैंक थे, केबल थे, चार्जर थे, इसके अलावा यहाँ पे ईयरबड्स, नेक बैंड, स्पीकर, वायर्ड ईयरफोन, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट है इस वेबसाइट पे। तो चलो भाई गैजेट कार्ट में लगाना शुरू करते हैं। ऐसे मैंने सारा गैजेट कार्ट में लगा के रखा है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से, तो एक यहाँ पे MI का मोशन एक्टिवेटेड नाइट लाइट है जो कि MI की वेबसाइट पे 499 रुपये के मिल रहे थे, लेकिन सेम लाइट फ्लिपकार्ट पे 649 रुपये के थे। क्या बात है। इसके बाद एक ट्रिमर है जो कि 899 रुपये में अवेलेबल था MI पे एंड यही ट्रिमर आपको अमेजोन पे मिलेंगे 1200 रुपये में। भाई 300 रुपये का डिस्काउंट, क्या बात है। इस प्रोडक्ट का प्राइस अमेजोन पे 1500 है और सेम यहाँ पे ये 1200 रुपये में मिल रहे हैं। इसके बाद एक यहाँ पे राइटिंग पैड है जो कि 499 रुपये का है ऑफकोर्स, लेकिन यही आपको 700 रुपये में मिलेंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर। इसके बाद एक वायर्ड ईयरफोन है जो कि 379 रुपीज का है, बेसिक सा एक वायर्ड ईयरफोन है, लेकिन यही आपको मिलेगा 429 रुपये में अमेजोन पे। इसके बाद एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश है जो कि 699 रुपये का है MI के ऊपर और यही टूथब्रश आपको मिलेगा अमेजोन पे 693 रुपया में। तो भाई ये तो चलो फिर भी ठीक है, दोनों पे सेम प्राइस है। लास्ट प्रोडक्ट हमने एक बैग यहाँ पे कार्ट में लगाया, 899 रुपये का है और यही सेम बैग यहाँ पे 1198 रुपये का है अमेजोन पे। तो भाई इससे तो पूरा आइडिया लग गया कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट से अगर आप MI का प्रोडक्ट बाई करते हो तो आपको 200-300 रुपया महंगे में मिलेंगे। तो भाई क्यों ना MI से ही मंगवा लिया जाए और एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि कैसा प्रोडक्ट आता है, कितने दिन में आता है, सारा चीज़ बताने वाला हूँ। तो मैंने ये सारे प्रोडक्ट ऑर्डर किए जिसका टोटल प्राइस 5073 रुपये के हुए हैं ये सारे आइटम। तो चलो, तो फाइनली भाई सारा गैजेट हमारा आ गया है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक ही आया है और एक ही में सारा गैजेट हो सकता है पैक किया हो। क्या बात है, ऐसे अच्छी बात है, प्लास्टिक का कम यूज किया जा रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा सारा है ना, क्योंकि हमने बहुत सारे गैजेट ऑर्डर किए थे। तो सबसे पहले यहाँ बैग को ही निकाल लेते हैं, यही सबसे बड़ा है। भाई सिर्फ बैग ही तो नहीं आ गया? नहीं ओ भाई साहब। गाइस हमने एक बैग ऑर्डर किया और बैग के अंदर ही सारा गैजेट भरा हुआ है। ऐसे यहाँ बैग का शोकेस सबसे पहले करके दिखा देता हूँ आपको, जिस हिसाब से इसका प्राइस है गाइस उस हिसाब से यहाँ पे बैग का क्वालिटी तो मुझे अच्छा लग रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ड्यूअल टोन आपको कलर मिल जाता है, एक तो यहाँ फैब्रिक है और सेकेंड यहाँ पे सिंथेटिक सा लेदर है जो कि अच्छा क्वालिटी का, MI का ब्रांडिंग है और जिप का क्वालिटी तो भाई नाइस। इसमें आपको 3 सेक्शन मिलते हैं, फर्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा पॉकेट है जिसमें चार्जर वगैरह रख सकते हो या कुछ भी छोटा मोटा नोट वगैरह है। सेकेंड यहाँ पे एक सेक्शन है जिसके अंदर आप चाहो तो कुछ कपड़े वगैरह इसमें रख सकते हो। साथ में 2-3 सेक्शन और अंदर बनाए गए जिसमें आप पेन हो गया, कुछ मेमोरी कार्ड हो गए, ये सब जो भी छोटे छोटे चीज़ें हैं इसमें आप डाल सकते हो। इसके बाद लास्ट एक सेक्शन है जिसमें मस्त आपका 15.6 इंच का लैपटॉप है, वो भी आप रख पाओगे और अगर आपका छोटा लैपटॉप है वो भी इसमें रख सकते हो। इसके बाद एक और सेक्शन है इसके अंदर जिसमें भी कुछ रख सकते हैं नोट वगैरह, एंड एक अंदर जीप है जो कि सीक्रेट है और इसके अंदर आप अपना सीक्रेट वाला आइटम रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ये जो बैग है इसका क्वालिटी तो इवन बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे एंड डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में यहाँ पे साइड में बोतल रखने के लिए भी पाउच दिया गया है और एक साइड में और भी पाउच है जिसमें आप बोतल नहीं रख सकते हो, कुछ और रख सकते हो। फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे MI का तो अच्छा निकला, अब चलो सेकेंड यहीं से निकालना शुरू करते हैं। तो ये हमारा सेल्फी स्टिक है, ये यहाँ पे सबसे पहले छोटा सा एसेसरीज बॉक्स है जिसमें एक ब्लूटूथ रिमोट शटर है और इस तरह के आप बहुत सारे देखे होंगे रिमोट शटर बटन जिससे फोटो वगैरह क्लिक करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है और क्वालिटी इसका इवन बहुत ही अच्छा है और ये चार्ज होता है माइक्रो USB चार्जिंग केबल से, ये चार्ज भी होगा। और ये हमारा स्टिक है, वाओ रबराइज फिनिश है और साथ में यहाँ प्लास्टिक का ही फिनिश है। इसका हाइट आप कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, इसमें आप अपना स्मार्टफोन, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों तरह से रख सकते हो। और एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे आप एज ए ट्राईपोर्ड भी यूज कर पाओगे, तो कहीं भी फोटो वगैरह क्लिक करना है तो इस तरह से रख दो और फिर मस्त फोटो निकाल लो, फैमिली फोटो बढ़िया से। प्रोडक्ट का क्वालिटी नो डाउट बहुत ही अच्छा है एंड डेफिनेटली यहाँ पे
अच्छा लगा। और गाइस अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो अंडर वन मिनट में अगर आपको टेक डोज चाहिए तो डेफिनेटली जाकर इस वाले अकाउंट को फॉलो करो, वहां पर मैं डेली एक टेक डोज तो आपके लिए लाता ही लाता हूँ। फॉलो करो, इंजॉय करोगे डेफिनेटली। ओके, टन टन आटन, बैग में से दूसरा गैजेट निकालने का टाइम आ गया है। ओहो, ये बेसिकली एक मोशन एलईडी लाइट है। अब आपको पता होगा एमआई ऐसा ब्रांड है जो बजट में अच्छा प्रोडक्ट बनाता है। अब स्मार्टफोन वगैरह की बात तो मैं नहीं कर रहा, डेफिनेटली यहाँ पे एसेसरीज का बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे जो क्वालिटी है इस लाइट का बहुत ही अच्छे है। नीचे की तरफ यहाँ पे डबल साइडेड टेप है जिसे किसी भी सरफेस पे चिपकाने के बाद इसे आप जिस भी एंगल में चाहो आप इसे अटैच कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैग्नेट लगा हुआ है और ये चिपक जाता है। बेसिकली इसका यूज किया जाता है स्टेयर पे या आप अपने वार्डरोब वगैरह में लगा सकते हो, जहाँ पे आप कभी कभी जाते हो लेकिन वहाँ पे लाइट की नीड बहुत ही ज़्यादा होती है, उस एरिया में इसे आप अटैच कर सकते हो। अब ये लाइट जलेगी कैसे, तो इसे चार्ज वगैरह नहीं करना है, इसमें आपको डबल एस सेल जो आती है वो आपको तीन लगाना है और यहीं पे आपको स्विच मिल जाएगा इसे कम और ज़्यादा करने के लिए। अब इस लाइट का ब्राइटनेस इतना ही है जितना आपको नीड होती है उस प्लेस पे। और गाइस अगर आपने अभी तक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज जाकर ज्वाइन कर लो यार, बहुत सारे ऐसे चीज मैं शेयर करता रहता हूँ जो आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलते। तो भाई अभी तक दो गैजेट तो एमआई के काफी अच्छे निकले हैं, चलो अब थर्ड गैजेट निकालते हैं। तो ये हमारा एक राइटिंग पैड है। अब राइटिंग पैड आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे आप 200, 150, 250, 300 रुपए के भी आते हैं, लेकिन इसका जो क्वालिटी है ये बहुत अच्छा है। एक तो इसका जो पेन है ये एक्चुअल पेन लग रहा है, एंड यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा रहा है। अगर आपको थोड़ा थिक लिखना है तो इस तरह से अगर आप थोड़ा देर के लिए होल्ड करते हो तो थिक लिखाएगा, और अगर आपको थिन लिखना है तो बस कर दो। अब इसका काम ये होता है बेसिकली कि अगर आपको कुछ भी नोट वगैरह बना के रखने हैं और उसकी नीड है तो बस यहाँ पे कुछ भी लिख दो, जैसे मुझे सब्सक्राइब करवाना है आपसे तो सब्सक्राइब लिख के मैं यहाँ पे रख दूंगा और आप सब्सक्राइब कर दोगे। अब इसे डिलीट करने के लिए यहाँ पे ऑरेंज कलर का बटन दिया गया है, इसे जस्ट प्रेस करना है एंड यहाँ सारा चीज़ गायब। और एक एडिशनल फीचर इसमें आपको मिल जाता है, स्क्रीन लॉक का ऑप्शन है, तो बाय मिस्टेक कोई बच्चा इसमें डिलीट करना चाहे तो डिलीट नहीं होगा। ओके, अगला है हमारे पास एक ईयरफोन, तो चलो इसका एक बार साउंड सुन लेते हैं। वो सबसे पहले यहाँ पे जो वायर का क्वालिटी है ना ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ब्रेडेड केबल तो नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। अब जो बड्स है ये पूरा मेटल का है तो प्रीमियम सा फील होता है। एंड यहाँ पे एल शेप में इसका 3.5mm जैक है, तो अगर आप गेमिंग वगैरह भी करते हो तो काफ़ी अच्छा रहता है, आपके हाथ में चुभेगा नहीं। चलो अब गाना यहाँ पे सुनकर देखते हैं कि इसका साउंड कैसा है। गाइस मैंने बहुत ही अलग प्रकार का गाना भी बजा रखा है, आप भी सुन लो। भाई यहाँ पे जो बेस है, जो क्लियरिटी है ना, काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे लाउडनेस भी सही लग रहा है मुझे, तो डेफिनेटली यहाँ पे साउंड तो अच्छा है इसका। इसमें आपको एक माइक भी मिल जाते हैं और साथ में यहाँ पे कॉल रिसीव रिजेक्ट करने का बटन भी है, प्ले पॉज भी आप इससे कर सकते हो, मल्टी फंक्शन बटन है। और इसमें आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिल जाते हैं जो कि सभी ईयरफोन में होता है, इसमें भी आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक ट्रिमर, ऐसे मेरा ट्रिमर ख़राब हो चुका था, काम आ जाएगा अगर ये अच्छा हुआ तो। फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा है, और जितना ही प्रोडक्ट मैंने आपको अभी तक दिखाया नहीं सभी के सभी नया ही है, पुराना नहीं है। देखो एक ट्रिमर में आपको टाइप ए टू टाइप सी केबल, एक ब्रश जिससे आप इसमें के बाल हटाओगे, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा बियर्ड कॉम भी मिल जाते हैं जिसे आप अटैच कर सकते हो। अब ये जो ट्रिमर है क्वालिटी तो अच्छा है, आपको बस इस तरह से रोटेट करना है, यहाँ पे नंबर बने हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और अपने अकॉर्डिंग इसे रोटेट कर लो, जिस नंबर पे आपको करना है आप कर सकते हो। साथ में यहाँ पावर ऑन ऑफ का बटन है, थ्री इंडिकेटर लाइट है जिसमें बैटरी वगैरह आप देख सकते हो कितना बचा हुआ है, और जब इसे आप टाइप सी से चार्ज करोगे तो यहाँ पे इंडिकेट भी होता रहेगा तो आपको पता चलेगा कितना बैटरी इसका चार्ज हुआ है। तो क्वालिटी भी अच्छा है और बियर्ड वगैरह भी अच्छे तरीके से ट्रिम कर सकते हो, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अब भाई बियर्ड तो हमने बना लिया, ब्रश भी तो करना पड़ेगा, हमने एक इलेक्ट्रिक ब्रश भी मंगवा लिया है, बस माइक्रो यूएसबी से चार्ज होगा। अब यहाँ पे एक ही हेड है, आप चाहो तो दो तीन हेड एक्स्ट्रा भी बाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस हेड को इस तरह से इसमें अटैच कर लेना है। सबसे पहले इसका जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे कुछ डॉट्स बनाए गए हैं तो ब्रश करते समय अगर हाथ गीला भी है तो ग्रिप अच्छा बना रहेगा। इसके बाद इसमें आपको थ्री इंडिकेटर लाइट मिल जाती है, सबसे पहले तो एक बैटरी का आइकन बनाया गया है, तो अगर बैटरी फुल चार्ज है तो ग्रीन जलेगा, बैटरी लो है तो रेड जलेगा। तो एक यहाँ पे अगर हाई मोड पे आप चला रहे हो तो बड़ा सा जो इंडिकेटर लाइट है ये जलेगी, और अगर आप लो मोड पे चला रहे हो तो छोटा वाला जलेगा। नीचे ब्रांडिंग किया गया है एमआई का, और नीचे से कुछ इस तरह से खोलने पे आप यहाँ पे इसे डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो, और ये एरिया ना ड्राई ही रहने देना, गीला होगा तो खराब भी हो सकता है। अब इलेक्ट्रिक ब्रश का सबसे अजीब सा बात यह है कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा गुदगुदी लगने वाली है, तो मैंने इससे पहले यूज कर रखा है तो मुझे तो नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था
पूरा बॉडी में गुदगुदी लग रही थी, तो इससे तो वैसा ही हुआ। ये मेरा पर्सनल था, मैंने आपको बता दिया। तो फाइनली गाइस बात करते हैं मुद्दे की। तो देखो MI का जितना भी गैजेट था ना, ये सभी के सभी बहुत ही अच्छा है, आप डेफिनेटली से बाय कर सकते हो। हाँ, याद रखना कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन को अवॉइड करके आप डायरेक्ट MI से प्रोडक्ट मंगवा लो, अगर आपके पिन कोड पे अवेलेबल है तो। नहीं तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन का भी यूज कर सकते हो, लेकिन महंगे हैं वहाँ पे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा क्वालिटी है प्रोडक्ट का, और जितने प्रोडक्ट थे ये सभी बहुत अच्छे कंडीशन में भी था और सब अच्छे तरीके से चल भी पा रहा था। तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। ऐसी वीडियो किसी भी तरह से स्पॉन्सर नहीं था, जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर किया। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलता हूँ फिर से एक मस्त धमाकेदार वीडियो। गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।